बजट की तैयारी में कुछ 2 से 3 महीने ही हमारे, जिसमें वजीर अला साहब, हमारी जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट, हमारी पीएनडी डिपार्टमेंट, हमारी चीफ सेक्रेटरी ऑफिस और इसके अलावा जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, डिपार्टमेंट्स, सब मिल के इसमें जो है तजावीज़ उन्होंने दी है। इसमें बजट की 2 कंपोनेंट हैं, एक है नॉन डेवलपमेंट और दूसरा जो है बलूचिस्तान पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम। हमने जो है दोनों पे जो है इंतहाई हमने काम किया है और पहले ये होता रहा है कि बजट को लोग जो है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम समझते थे और उस हवाले से जो है वो कुछ लोग कमरे में बैठ के उसकी तैयारी करते थे और जब वो बजट बन जाता था तो उसकी वो अफादियत नहीं थी। पिछले जो दौर में बजट तैयार हुई उस पर ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो है नोटिस लिया और एक अच्छा काम हुआ, उन्होंने जो है हुकूमत को गाइडलाइंस दी कि जो प्लानिंग कमीशन की जो पॉलिसी एंड पॉलिसी के मुताबिक उसको बनाए। इस दफ़ा हमारी कोशिश रही है कि हम उस तरह का बजट बनाएं जिसकी जो फार रीचिंग इम्पैक्ट जनरल पब्लिक पे हो और हर सेक्टर्स को हमने उसमें शामिल किया है। बहुत बलूचिस्तान में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन पे अगर इन्वेस्ट करें तो वो बलूचिस्तान की जो आबादी है उसको फीड कर सकती है, बल्कि इससे ज़्यादा जो है बलूचिस्तान को कमा के दे सकती है। जिसमें आपको पता है कि माइंस एंड मिनरल्स हैं, इसके अलावा बलूचिस्तान के पास एक वसी कोस्ट है, बलूचिस्तान में ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, ऐसे साइट्स हैं जिनको जो है आप अगर इन्वेस्ट करें तो वो एक अच्छा टूरिज़्म को भी यहाँ पे इनक्रेज कर सकती हैं, जिसमें बलूचिस्तान की अफतलार है, कोल मंदिर है, अस्तोला आइलैंड है, पीर गैब है, कायद रेजिडेंसी ज्यारत है। तो इन पे पहले बात कोई तरजीह नहीं दी गई थी। इस दफ़ा हमारी कोशिश ये है कि हम जो है उनको पब्लिक सेक्टर प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं। इसके साथ जो नॉन डेवलपमेंट साइड है, पहले सिर्फ जो है वो तनख्वाहों पे जो है लोग गुजारा करते थे, इस दफ़ा हमने कोशिश की है कि हम ऐसे प्रोग्राम ले आए जिनमें जिनकी वजह से आम पब्लिक को फ़ायदा मिले। जिस तरह हमने एक आपको याद होगा कि हमने अवामी एंडोमेंट फंड का जो है आगाज़ किया था हमारे वज़ीर आला साहब ने, जिसकी वजह से हमारे जो इंतहाई डाउन ट्रोडन बीमार मरीज थे, जिनको पहले जो जिनकी दादरसी नहीं होती थी, जिनका इलाज मुआलज करना बड़ा मुश्किल होता था, एक आम गरीब के लिए कैंसर का इलाज जो है वो बड़ा एक मुश्किल काम है। हमने उस कंटेस्ट में जो है एक अवामी एंडोमेंट फंड का जो है इनका किया और उसको हम बढ़ा रहे हैं। इसी तरह हमारी जो फ्यूचर है वो यूनिवर्सिटीज़ में है। पिछले अखबार में यूनिवर्सिटीज़ को कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, कभी रकम है 500 मिलियन रुपए की, तो वो उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं कर देती। इस दफ़ा गवर्नमेंट ने फैसला किया है कि जी हम अपनी फ्यूचर पे जो है इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसमें हमने वो 500 मिलियन को बढ़ा के कोई 1 अरब 50 करोड़ कर दिया है। हम और हमारी कोशिश है कि हम इसको मज़ीद जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं और हमने जो है इसको एक फाइनेंस कमेटी तश्कील देने का प्रोग्राम बनाया है, यूनिवर्सिटी फाइनेंस कमीशन, जो यूनिवर्सिटीज़ के दरमियान जो वसायल गवर्नमेंट बलूचिस्तान देगी और उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। इसके साथ हमारी और भी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें आप हम चाहते हैं कि हमारे माजूर अफराद बलूचिस्तान के जो है उनको कोई सपोर्ट नहीं मिलती थी, वो बेचारे अल्लाह ताला की तरफ से अपनी बदकिस्मती की वजह से माजूर पैदा हुए हैं, तो गवर्नमेंट उनको जो है सपोर्ट करना चाहती है, उसके हवाले से एक ऐसा प्रोग्राम लाना चाहती है जो उनको जो है किसी हद तक सपोर्ट मिल जाए। इसके अलावा हमारी ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिसमें हेल्थ हम रिफॉर्म लाना चाहते हैं और अभी चूँकि बजट पेश नहीं हुआ है तो मैं वो रिफॉर्म जो है आपको फिलहाल तो वो नहीं बता सकता, लेकिन जब वो रिफॉर्म आएंगे तो आप देखेंगे कि हेल्थ में एक वाज़ह तब्दीली आएगी, हमारे हॉस्पिटल्स की जो हालात अभी है वो बहुत हद तक बेहतर हो जाएगी। इसी तरह हमारी एजुकेशन बलूचिस्तान की, उसमें तो बहुत से ऐसे हमारे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक हमारे बच्चे जो हैं उनको तालीम व तदरीस के मौके नहीं मिल रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि हम जो है एक सीएम इनिशिएटिव के तौर से एक स्कूल का प्रोग्राम शुरू करते हैं जिसमें हमारे बच्चों को
मैक्सिमम स्कूलों में जाए, और इसके साथ हम जो है क्वालिटी एजुकेशन पर इंश्योर करना चाहते हैं। हम समझते हैं कि जी सिर्फ एजुकेशन देना या स्कूल बनाना ये हुकूमत का काम नहीं है, अच्छी तालीम और तरबियत देना हुकूमत का काम है और ये हुकूमत की जो है अवली फराज में शामिल है। इसी तरह और भी ऐसे सेक्टर्स हैं जिनको हम सपोर्ट करके उन सेक्टर्स को जो है मजीद बेहतर बना सकते हैं। और हम समझते हैं कि बलूचिस्तान के पास बेशक वसायल की कमी रही है, लेकिन अगर इन महदूद वसायल को हम अच्छी तरह इस्तेमाल करें तो वो हमें जो है मजीद जो है हमारे रिवेन्यू जनरेशन के एवेन्यूज खोलना चाहती है। इसी फाइनेंस बिल में हम जो है मुख्तलिफ टैक्सेशन के निज़ाम को भी बदलना चाहते हैं, और वो इम्प्लीमेंट हो जाएंगे तो आप देखेंगे कि बलूचिस्तान की जो वो जो वसायल हैं वो बढ़ जाएंगे। और हमारे देखें सिर्फ बजट बनाना हुकूमत की जो है फराइज में शामिल नहीं है, बजट को इम्प्लीमेंट करना, बजट को उसको जो है कैपेसिटी बिल्डिंग, इसके साथ बजट को जो है उसका जो इम्पेक्ट है वो आम लोगों तक जो है हम पहुँचाना चाहते हैं। अभी पहली दफ़ा बलूचिस्तान की तारीख में हुआ है कि हमने जो है एक कंप्रिहेंसिव तैयारी करके फेडरल गवर्नमेंट के पास हम गए हैं, और हमने फेडरल गवर्नमेंट से ये कहा है कि जी देखें बलूचिस्तान की तामीर तरक्की सिर्फ बलूचिस्तान के प्रोविजनल बजट से मुमकिन नहीं है, तो उनकी उन्होंने हमारी बात मान ली है। और हमने उनको तीन सेक्टर ऐसे कहे हैं कि आप हमें इन तीन सेक्टर्स में हमारी मदद करें, जिसमें बड़ी अहम शाखाएं जो प्रोविंशियल पीसीबी की बस की बात नहीं वो बनाएं, बलूचिस्तान के बड़े ऐसे डैम्स हैं और बलूचिस्तान में बिजली के ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सूबाई पीएसडीबी जिनको जिसको सपोर्ट नहीं कर सकती, तो उस हवाले से फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी बात मान ली है और उन्होंने हमसे वादा किया है कि हम जो है बलूचिस्तान के काफ़ी अहम शाखाएँ उनको बनाएंगे, जिसमें क्वेटा शोब है रोड है उसकी ड्यूटलाइजेशन हमने तजवीज़ दी है। इसी तरह हमने तजवीज़ दी है कि बलूचिस्तान में क्वेटा टू कराची रोड है, आपको पता है बलूचिस्तान में एक्सीडेंट्स का जो रेशो बहुत ज़्यादा है बिकॉज ऑफ सिंगल रूट, तो उस पर जो है फेडरल गवर्नमेंट ने हमारी तजवीज़ जो है वो उस पर उनकी जेर गौर है। इसी तरह तुरबत आवारा कराची रोड उषा आवारा रोड और जाऊ बेला रोड वो भी जो है वफाकी पीएसडीबी में जो है शामिल हो रही है। इसी तरह डेरा मुराद जवाली बाईपास है वहाँ पर काफ़ी लोगों को जो है तकलीफ होती है तो वो भी जो है जेर गौर है। इसी तरह तुरबत बुलेदा पंचगूर और नोकंडी लखदश रोड वो भी आ रही है। इसी तरह चीदगी पंचगूर गिज आवारा रोड जो बड़ी अहमियत का आमिल है उसको भी फेडरल गवर्नमेंट शामिल कर रही है। नोलन डैम है और जो जहाज बक्सी बनने वाली है, इसी तरह खारा की गरम डैम है, इसी तरह विंदर डैम है, तो इन 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 स्कीम की इम्प्लीमेंट होने के बाद बलूचिस्तान में है एक टेंजिबल एक डेवलपमेंट जो है नज़र आएगी। और हमने वफाक से बात की, हमने कहा है कि जी बलूचिस्तान जो है वो 50 अरब 100 अरब से जो है ना प्रोविंशियल पीएसडीबी से तरक्की करेगी ना ही फेडरल पीएसडीबी से तरक्की करेगी। जिस तरह फाटा में आप लोग एक पैकेज दे रहे हैं उसी तरह हमने उनसे बात की है कि 500 से लेकर 700 अरब के करीब 4 सालों में बलूचिस्तान में जो है एक पैकेज दें जिसमें सड़कें डैम्स और भी बड़े प्रोजेक्ट्स जिसमें शामिल होंगे, तो इन प्रिंसिपल ही उन्होंने मान लिए। चूँकि आपको पता है कि अभी हमारी मुल्की माशी हालत उसका बेहतर नहीं है, उसके लिए जो है गवर्नमेंट काम कर रही है और मजीद चीज़ बेहतर बनाएगी, लेकिन उन्होंने इन प्रिंसिपल ही हमें इंश्योर कराया है कि जी जब हालात बेहतर होंगे तो बलूचिस्तान को जो है खसूसी तवज्जो दी जाएगी। हम जो है पाक फौज के भी शुक्रगुजार हैं कि पाक फौज ने वॉलंटियरली अपने बजट को कम करने का इंतजाम किया और ये कहा है कि जी उनका बजट कम होगा तो बलूचिस्तान और फाटा
دونوں کو جو ہے ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے خرچ کی جائے گی. تو یہ ان کی طرف سے گورنمنٹ جسٹر ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ریئلائزیشن پورے ملک میں آ گئی ہے کہ جو وہ صوبے جو پیچھے رہ گئے ہیں, وہ صوبے جن کی جو ہے لوگ اس طرح ترقی نہیں کر سک رہے تھے جو باقی صوبوں کے لوگوں نے کیے, باقی حکومتوں نے کیے, اب ایک مل جل کے وفاقی گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں جو ہیں بلوچستان کی تعلیم ترقی کے لیے کمیٹڈ ہیں. اسی طرح ہم نے پروونس میں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ بجٹ صرف چند لوگوں کو محسوس لوگوں کا بنانے کا کام تھا, محسوس لوگ نہیں کر سکتے. ہم نے ایک ریسرچ فنڈ ہم نے قائم کیا ہے جس میں ہم ایکسپرٹیز ہائر کریں گے جو مختلف ریسرچ کر کے گورنمنٹ آف بلوچستان کو جو ہے وہ بھی تجاویز دیں گے جس کو ہم گورنمنٹ امپلیمنٹ کرے گی, جن میں بجٹ جو ایونیوز ہیں ان کو بڑھایا جائے گا. اس کے ساتھ ایسے پروجیکٹ ایسے سیکٹرز کی نشاندہی کرے گی جو جن کی جو ہے بلوچستان کی تعلیم ترقی میں جن کی جو ہے دوردرس یا نتائج ہوں گے یا ان کی افادیت جو ہے ہوگی, تو اس پہ جو ہے وہ آنے والی جو ہے ہماری بجٹ میں اس کو بھی ہم اسپیس دیں گے. اس کے ساتھ این ایف سی ایوارڈ جو آ رہا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کو جو شیئر مل رہا ہے, آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان جو لینڈ ماس کے حوالے سے پاکستان کا جو ہے 50% ہے, ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پیچھے رہ گیا ہے, تو ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے جو شیئر ہیں فیڈرل وہ کافی کم ہے.